एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों के साथ हो रही बदसलूकी की घटनाओं के बाद फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। नई पॉलिसी के अनुसार पैसेंजर क्रू मेंबर्स की इजाजत के बिना शराब नहीं पी सकेंगे। 6 दिसंबर को पेरिस से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने शराब के नशे में एक महिला के कंबल पर पेशाब कर दी थी, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई। उसके बाद आरोपी पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसके बाद एयर इंडिया ने अपनी इन फ्लाइट में अल्कोहल सेवन पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। नई पॉलिसी के अनुसार पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि क्रू मेंबर्स उन्हें शराब न परोसे। केबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हो। नई पॉलिसी में केबिन क्रू को समझदारी से शराब परोसने और पैसेंजर से ज्यादा शराब मांगने पर मना करने को कहा गया है। इससे पहले शराब कांड की घटना पर डीवीसीए ने एयर इंडिया पर मामले की जानकारी नहीं देने के आरोप लगाकर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।